सर नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं गुरु जी का श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और सावलिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत नमस्कार देता हूं, क्योंकि मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बोलो तो, मैं सभी जितने भी आए हैं यहाँ पे मेहमान है, यार दोस्त मित्र, हमारा एक परिवार ही है, समझो ये NDS परिवार ही है, मैं उसको अपना परिवार ही मानता हूँ। और मैं परिवार समझ के मैं अपनी जो व्यथा है, मैं हकीकत में आपसे बताना चाहता हूँ सर। मैं आज से 1.5 साल पहले NDS से जुड़ा था। मेरी जो पोजीशन थी सर, इतनी खराब पोजीशन थी कि हाई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मुझे 4.5 क्रिएटिनिन जा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि तेरा किडनी खराब होने का चालू हो गया है और अभी तुझे आजीवन किडनी की दवा खानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं जो भगीरथ चंदेल अहमदाबाद से हैं, तो उन्होंने कहीं सुना था कि NDS न्यू डाइट सिस्टम BV चौहान साहब का है और साहिबाग के अंदर अंडर ब्रिज पे हमारे राजेश पटेल वहाँ एक सेंटर चलाते हैं NDS का, तो मुझे वहाँ लेकर गए और उन्होंने सारा सिस्टम जब मुझे बताया तो मैंने पहले दिन से उसको इस तरह से फॉलो किया कि एकदम परफेक्ट फॉलो किया। 1.5 महीने के अंदर 78 से मेरा जो वेट था 59 हो गया और मेरे को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जितनी भी प्रॉब्लम है क्रिएटिनिन की थी सारी खत्म हो गई। अब मैंने उसको देखो, सबसे जो मैंने जो गलती की है वो गलती को मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ ताकि जीवन में आप लोग ये गलतियाँ कभी ना करें, क्योंकि उसका शिकार ऑलरेडी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, वही एक्सपीरियंस मैं आज से शेयर कर रहा हूँ। मैं 45 डे के अंदर मेरा वजन जो है 59 यानी 16-17 किलो वेट लॉस हुआ, उसके बावजूद मेरी 52 साल की उम्र है, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं 22 साल का हो गया हूँ, इतना यह मतलब इतना एनर्जेटिक हो गया मैं। लेकिन 45 दिन के बाद जो मैंने गलती की है वो क्या की है, धीरे 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 अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, आई एम ऑल इज वेल एकदम कंप्लीट। मैंने धीरे धीरे बाहर का खाना चालू कर दिया, होटल में खाना चालू कर दिया, यार दोस्तों के वहाँ पार्टी हुई वहाँ चालू कर दिया, मैं भूल गया कि मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे किस तरह से जीना है। वो अपनी दिनचर्या को मैं भूलने के बाद आज लास्ट में 15 दिन पहले मेरी पोजीशन ये हुई कि मुझे वापस सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए और मुझे नारायणी हॉस्पिटल हृदयाल रखियाल अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई तेरी 97% किडनी खत्म हो गई है, बराबर है, अब तू 25 लाख रुपए की व्यवस्था कर, तेरा किडनी का ट्रांसप्लांट होगा और चिड़िया खेत चूक गई है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे उसने 5 दिन तक वहां पे एडमिट रखा सर, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं जो इंसान ये सोचता है मौत क्या होती है, मैं मौत के बिस्तर से उठ के आपके सामने खड़ा हूं, यहां मुझे देख लो, मैं एक जिंदा लाश इंसान यहां आया हूं। मेरे भाई ने डिसीजन लिया, छोटे ने बोले कुछ भी करो, मेरे भाई को अगर एक्सपायर हो जाएगा कोई बात नहीं, उसको छुट्टी दो अभी तुरंत। वहां से लाया घर और सुबह से 3 दिन तक मेरे को उन्होंने टोटल फास्टिंग सब बंद कर दिया। सूरज भाई का कांटेक्ट करके उसने कब एडमिशन किया क्या किया मुझे पता नहीं, और शाम को 7 बजे की गाड़ी के बस के अंदर मुझे बिठा के और यहाँ भिजवाया। जैसे ही मैं आया हूँ इस भूमि पर, इस मातृभूमि पर जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ चौहान साहब गुरुजी की इस भूमि पर, वैसे ही मैं इतना एकदम हो गया कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बोल दिया, अरे यार मेरे को तो कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, मैं तो एकदम हो गया हूँ। तनासु सर ने बोला तेरा किडनी अगर खराब होता तो तू पेशाब नहीं करता, लेटरिंग नहीं करता, चल नहीं पाता, तेरा किडनी तो एकदम ओके है। अब मैं उससे 99% रिचार्ज हो गया, लेकिन गलती क्या हुई मेरी, मैं अपने आप को वापस एकदम यंग 22 साल का जवान समझने लगे। एक दिन में घोड़ा बन गया मैं इधर से इधर 3-4 घंटे मैंने रनिंग किया, वो मुझे पता नहीं चला मेरी बॉडी पे लोड पड़ा है, वो मेरी थोड़ी गलती हुई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एकदम 100% परफेक्ट, अभी 90% परफेक्ट हूँ और 100% परफेक्ट हो जाऊँगा। ये सावलिया परिवार का बहुत बहुत बड़ा उपकार है समझो, मुझ पे और मेरे परिवार पे। मेरा 13 साल का बच्चा है, अभी बच्चा बहुत छोटा है, कालू भाई सावलिया, सूरज भाई, पूरा सावलिया परिवार, मैं इनको कैसे धन्यवाद दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इनका धन्यवाद तो हम कर ही नहीं सकते, वो सेम से परमात्मा के साक्षात है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप NDS करें, ऐसी भूल ना करें जो मैंने की है सर। मैं सबसे हाथ जोड़ के और यही प्रार्थना करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ कि NDS को चुस्त तरीके से फॉलो कीजिए 4 महीना कंटिन्यू, और 4 महीने के बाद अगर आपकी बॉडी कंप्लीट होती है तो कालू भाई से या उनकी फैमिली से, सुरेखा जी से मार्गदर्शन लेके ही आगे का खान पान या आगे की दिनचर्या
शुरुआत करे, वरना वापस मेरे जैसी हालत हो सकती है। उसके जवाबदार ना बीवी चौहान साहब है और ना सावलिया परिवार है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के यही विनती और प्रार्थना है कि भगवान सबको स्वस्थ रखे, और सबसे ज्यादा स्वस्थ रखे सावलिया परिवार को, क्योंकि वो सारी दुनिया को स्वस्थ करने में लगा हुआ है। बराबर, इसलिए भगवान इन्हें इतने स्वस्थ रखें, अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो सारी दुनिया को जरूर स्वस्थ कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और लोगों को भी बोलने का मौका, और मेरा पूरा इस मामले में साथ दिया है मेरा छोटा, मेरा नाम है रूपेश चंदेल, 9895440935 वस्त्राल अहमदाबाद, और मुझे दो इंसानों ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, एक तो छोटा भाई है मेरा भागीरथ चंदेल, और दूसरा मेरी वाइफ यहाँ पे आई है मेरी धर्म पत्नी साधना चंदेल, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भगवान जीवन साथी दे तो सबको ऐसा दे, वरना वांडा ही रखे।